पांच। चलिए यहाँ पे चेकिंग होती है, कितने बंदे गए, कितने वापस आए, सब कुछ। हाँ भाई, वन टू थ्री। क्या रे भीख मंगिया, क्या दिख रहा है? माणा गांव में पहुंच चुके हैं, जो कि अब फर्स्ट विलेज इंडिया का बन चुका है। और देख सकते हैं आप, सामने रहा उसका बोर्ड, माणा विलेज। देखिए गाइस, माणा गांव, यहीं से सरस्वती नदी भी निकलती है। अभी भीम पुल जाएंगे हम, यहाँ पे थोड़ा ये फोटो शूट कर रहे हैं। ये रहा मौसम यहाँ का, देखो कैसा लग रहा है इसमें, सही लग रहा है। ओए इसमें चल, हैं पूछ ले, सच में ऊपर ना पहुंच जाए ये लोग। गाड़ी लॉक करके आता हूँ बस। इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं यहाँ पे, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और अभी यहाँ पे सभी लोग फोटो शूट करा रहे हैं, जितने भी आ रखे हैं, देखो जितनी भी पब्लिक है यहाँ पे। देखिए हमारे पीछे भी हैं कुछ लोग, यहाँ पे भाई लोग आराम से बैठ रखे हैं। और अभी इनका एक्सीडेंट होते होते बचा है ये भाई, लगी तो नहीं फ्रैक्चर हो गया भाई का, फ्रैक्चर कर दिया है यार भाई। अब जा लेना, एक बार जा लेना, मैं बोल रहा तू जा, वही तो बोला कर भाई साहब, चलता कर सही है। अबे झूले में नहीं बैठ रखा तू, ड्रैगन वाले में वैसा ही होता है। हाँ जा ले, वीडियो ही तो बना रहा भाई, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यार पीछे से भाई, तू तो गया भाई, बस ये लिखा दे तू भाई, तू तो गया सीधा। ओए वो निकाल दे टोपी और वो जाएगी वो हवे में, तो टोपी और चश्मा जाएगा दे रहा। अलकनंदा नदी यहाँ से आ रही है क्या? तो ये रही अलकनंदा नदी, और उसी नदी के तट पे हम यहाँ पे भाई को बंजी जंपिंग तो नहीं है, क्या बोलते इसे, मजे लो मजे। हाँ वन टू थ्री। गया रे कैसा लगा बे? बताइए सर एक्सपीरियंस। ऊपर जाने में तो बहुत ही आनंद आया मेरे को ना। हाँ ऊपर गया मैं, जब नीचे को आने लगा था वैसे ऐसे जान निकल गई, मतलब पूरी आया। कोई और है ना? हम छोटे दिल वाले कहाँ चल पाएंगे यार, हमारा दिल बहुत छोटा है, निकल जाएगा दो मिनट में। चलो यार हम आगे को तब सुनवाए। हाँ निकल जाएगा, हाँ आगे को उतर जाता है यार। अम्मा हमारे झूले में लंपा था वो, यहाँ जैसे सकता है तो मार भाई से बोलते क्या है। यहाँ पे प्राइस है 200 रुपए। भाई ने मजे ले लिए, आनंद आया मेरे को खूब। और सर आपने क्यों नहीं लिया? सर यहाँ तक यार भाई, भाई ऊपर वो गया धक धक हमें हो रहा है। क्या हुआ ये देखो भाई, इसका अभी तक हो रहा है यहाँ, इसका इसका सिस्टम हैंग हो गया। जैसा ऊपर से जब नीचे आया ना मैं, हाँ तब वही धक धक गया, मुझे लगा भयंकर आज गया, आज गया, आज ही नहीं बचता मैं। चले अब चलो, क्या लेके आ, तुम भी आ जाओ ना। चलो तो क्या महाराजा हो गया, देख रहे हो लौंडों के लक्षण। तो भाई कैमरामैन जल्दी फोकस करें, लो कट दिया।
भाई अब यहाँ जितना भी था भाई का राइड वाइड सब हो गया है और अब जा रहे हैं जा रहे हैं माणा विलेज की तरफ। साले इतनी फूक मत मार, बाहर मार रहा तुम्हें, मेरे मुंह पे आ रही हो क्या? बाहर मार रहा हूँ, बाहर अंदर आए हो क्या? कौन आगे माणा? हाँ तो आ, हम अभी कहाँ हैं फिर? माणा कहाँ पहुंचे अभी? हम माणा कहाँ है अभी? माणा गेट पे हम। इसका ये सोच रहा कि भाई हम अभी माणा गांव में है। जब आके तो पूरा एंजॉय करेंगे ना, टाइम क्यों ना लग जाए, चट से लेकर टुक तक वीडियो बननी है। किसमें वीडियो बन रही है? लाइव इन नमूनों की बना पीछे, ये भी तो दिखे। एक हमारे पीछे बैठा चूतिया आदमी, सबसे बड़ा चूतिया। ओ चूतियों में क्या है तुम्हारा बॉस? मैनेजर कैसे बोल रहा है ना, तुम्हारा बॉस हूँ मैं। चलो अभी क्या बोला तू? मैनेजर है तू? चली पंपाली मिलना चली तो भाई हम माणा पार्किंग में पहुंच चुके हैं और अब यहां से हम पैदल चल रहे हैं आगे माणा गांव की तरफ। यहां पे बहुत ज़्यादा जाम लग रखा है, ये देखिए कोई बंदा आ रहा है कोई जा रहा है। तो माणा साइड देखिए आप, इतना अच्छा व्यू हो रखा है। और माणा से आगे जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, पर यहाँ से एक रास्ता है तो वो जाता है वसुधारा की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है, सीधा सीधा है। आज हम पे टाइम नहीं है तो हम नहीं जा पा रहे हैं, पर आने वाले टाइम में अगर कभी आए हम यहाँ तो वहाँ ज़रूर जाएंगे, वसुधारा। हाँ अब देखिए गाइस, ये पीछे पीछे आ रहे हैं ना, उसका नया गाना नहीं आ रहा आज एलविस का, सिस्टम का, छोरे हरियाणा वाले। अबे तो इस बार काटे नहीं, बाकी दिन काटते हैं यार। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ आगे पे काटते हैं, या तो दिखे नहीं हम या तो हमने नहीं देखे हो। रहने देना, अपना तो फायदा ही हो गया, ना कटे हमारी तरफ से। ये देखिए देश का मान माना, अब तो नई बन गई है, कुछ नहीं रहता तो। हाँ इसी साल बनी है भाई की दुकान है यहाँ पे, पिछले साल तक तो वही थी ऐसी नॉर्मल सी, कच्चे मकान थे क्या? हाँ हमारे साथी लोग कहाँ गए? तो मटक मटक क्या आ रहे क्या? दो औरतें भी तो है हमारे साथ, उनको भी देख लें। तो भाई पहले हम भीम पुल देखेंगे, फिर वहाँ से आएंगे हम किसकी तरफ? ये व्यास व्यास गुफा और गणेश मंदिर है, गणेश गुफा भी बोलते हैं ना उसे। हाँ महाभारत ये स्टार्ट हुआ था ना? अबे महाभारत यहाँ लिखी गई थी, स्टार्ट हुआ, अलग ही चल रहा है इसका। यहाँ वेद व्यास गुफा दिखाते हैं गाइस आपको, और जो वो गुफा है और उसके ऊपर जो पत्थर है ना, वो ऐसा लगता है कि भाई वो पूरी किताब रखी होगी, ऐसे दिखाएंगे हम आपको, एक एक पेज दिखता है उसमें। तूने देखी है वो गुफा? सर मेरा हाथ थक गया तब से फोन पकड़ पकड़ के। ये है भयंकर, देख सामने के कैसी नुकीली वो चोटियां हैं ऊपर, साल की कील लगा रखी होगी। धीरज को बैठा दे उसमें सारा। तो भाई ये देखो यहाँ, यहाँ के पुराने घर, अरे क्या है भेड़ के बाल। वाह वाह, यहाँ ये सरस्वती नदी है नीचे, देखिए गाइस ये सरस्वती नदी है जो कि भीम पुल के नीचे से बहती है, और यहाँ पे से ये गायब हो जाती है और आगे जाके अलकनंदा बन जाती है। तो आपको ये गेट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ऊपर हम वेदव्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ जाते हैं, और यहाँ से नीचे हम भीम पुल की तरफ जाते हैं। तो भाई सामने जो ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है आपका वसुधारा की तरफ, और इसी पहाड़ी के नीचे है आपका भीम पुल। सरस्वती वो दो कहाँ भाग गए?
आ जाएंगे हो? चलो भाई चलिए। पानी के छींटे गिरे यार, कहीं थूक थाक तो नहीं दिया मेरे पे? पाइप फटा है कोई यार, तभी तो मैं बोला साला पानी के छींटे गिरे, यहाँ पाइप फट रखा है सारा। पिछले साल आया था भाई ये लास्ट दुकान थी हिंदुस्तान की, लास्ट दुकान खत्म हो गया, अब पहली हो गई। इस साल आया था, अगले साल पता नहीं क्या ही होगा। थोड़ा ही तो है वैसे यहाँ पे से। ये तो रास आ गई। हाँ ये कहाँ रह गए यार ये दो? कुछ बोल उनके बारे में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर मुझे। हाँ और शांति का अनुभव कर रहा हूँ मैं इस समय। हाँ अबे उन दोनों के बारे में बता। हाँ पता नहीं कहाँ रह गए हो सारे। जनानी रहा हो, जनानी औरतें बने औरतें, उनसे भी ज्यादा हो रहेगा सर। मैं कह चले थे पैरों को मेहंदी लगाई हो क्या? दोनों लुगाइयाँ पता नहीं कहाँ रह गई। राजू भाई उनके बिना बड़ा दुखी हो रखा है। ये देखिए हमारे भाई कहीं यहाँ छलांग न मार दें। भाई देख ले अपने भाई को रोक ले तू। वो कहाँ हो गए यार ये तो? कहाँ रह गए यार ये तो? कॉल करता हूँ मैं सालों को। तो भाई दोनों नमूने गायब हो गए हैं, उनका फोन वोन कुछ नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ गए। तो हमने डिसाइड किया है पहले हम भीमपुल देख के आते हैं, फिर आराम से ढूंढते हैं उनको। ये आ रही है सरस्वती नदी। यहाँ से आता है और जहाँ पे ये लोग खड़े हो रखे हैं ये है भीमपुल। दिखाते हैं आपको, वेट कीजिए आप थोड़ा। भाई इस टाइम पे हम भीमपुल के ऊपर खड़े हैं और आपको हम दिखाते हैं भीमपुल का नज़ारा। और ये रहा भीमपुल, वो नीचे पत्थर दिखाई दे रहा है ना, वो भीम ने वहाँ से तोड़ के फेंका था जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। और भीमपुल के नीचे से बहती है आपकी सरस्वती नदी जो कि सामने जाके गायब हो जाती है। अबे कहाँ रह गए वो? तो भाई देख रहे हो सामने उस लड़के को कहाँ पत्थर के ऊपर चढ़ रखा है। अगर बाई चांस वहाँ से उसका पैर फिसला तो भाई बचेगा क्या? नहीं, सीधा नीचे जाएगा वो, वहाँ नीचे है। दो लौंडे गायब हो गए हमारे साथ के, अब उनको ढूंढने का अभियान चलेगा हमारा। और अभी भाई की कॉल आ रही थी मुझे, वो बोल, मैंने बताया उसे कि हम बद्रीनाथ आ रखे हैं। भाई बोल रहा साला अकेला अकेला भाग गया वहाँ। राजू भाई बताया तो इनको जाना ही पड़ेगा। राजू भाई ओ हेरा फेरी की राजू भाई यार। तो भाई ये रही सामने वेद व्यास गुफा और आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके क्या आगे चीन बढ़ रहा है। जिन पन्नों की बात मैं कर रहा था ये रहे, वो ये दिख रही है लाइन है। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले ये एक पूरी किताब थी, कई हजार साल पहले। हाँ जो कि धीरे धीरे समय के साथ साथ पत्थर में बदल गई है और अब कुछ इस टाइप से है यहाँ पे। तो भाई वेद व्यास गुफा से तो आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गणेश गुफा की तरफ। गणेश गुफा भी वेद व्यास गुफा के ही बगल पे है, थोड़ा ही है वहाँ से, लगभग 50 मीटर दूर। तो भाई साहब ये रही गणेश गुफा और हाँ ये सामने। की तरफ भाई बकरे ले लो यहाँ से, बकरा ले ले तो वहां पे से। क्या देगा अभी? इच्छे बकरी
तो ले लेना भाई। माणा विलेज मिलेंगे कभी और साल जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे दोबारा भाई। भाई ये लोग मिल चुके हैं यहाँ पार्किंग में, तो ये लोग और निकलने लग गए हम मंदिर की तरफ। हेलो गाइस, वापस मिल गए हमें गाने फिर से। गाइस हम वापस मिल गए यार, गायब हो गए, गायब हम खो गए थे। तो भाई अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है भाई, पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और ही है। रोड ऊपर से घूम के आ रही है और यहाँ नीचे से पूरी रोड अलग बन रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। यहाँ मिट्टी में भी घुस गया मैं भयंकर। चलो भाई मिलते हैं आपको मंदिर में और बताते हैं आपको आगे की कहानी। क्या रास्ता यहाँ आगे, वही तो बोल रहा मैं भाई, सब कुछ बदल गया यार यहाँ पे।